गणतंत्र दिवस के अवसर पर विश्रामपुर विधानसभा सहित देश के तमाम वासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना। आज ही के दिन हम भारतवर्ष के लोगों ने न्याय, समानता और भाईचारे के प्रति दृढ़ संकल्प लिए थे। आज मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सत सत नमन करता हूँ, जिन्होंने विभिन्न जातियों, धर्मों और क्षेत्रीय विभिन्नताओं के रहते हुए भी एकता के सूत्र में बंधने वाला संविधान दिए। आइए हम सब मिलकर गणतंत्र दिवस के पावन बेला में संविधान के मूलभूत आदर्शों की रक्षा एवं देश के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध हों। जय हिंद। जय जादव, जय माधव। मैं प्रदेश जादव महासभा का प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष यादव बोल रहा हूँ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हमारा आंदोलन और रफ्तार पकड़ते चला जा रहा है, यही रेजिमेंट की मांग पूरे देश में बढ़ रही है और झारखंड में भी काफ़ी लोगों को जानकारी मिल गई है और ये आंदोलन धारदार होते चला जा रहा है। साथ ही साथ जातिगत जनगणना और आर्थिक जनगणना को भी हमारा प्रमुख मुद्दा माना जा रहा है। इसलिए आप सभी से आग्रह भी है कि इस आंदोलन को धारदार बनाएं और राष्ट्रहित में, जैसा हमारा देश विश्व गुरु बनने की राह में आगे बढ़ता चला जा रहा है, हम सभी लोगों को सकारात्मक ऊर्जा के साथ राष्ट्रहित में आगे आना चाहिए। पुनः बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। जोहार। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पूरे राज्यवासियों को और डिप्लोमा अभियंता संघ के सभी सदस्यों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आइए हम सब मिल करके पूरे ऊर्जा और जोश के साथ इस गणतंत्र दिवस पर संकल्प लें और राज्य को एक नई ऊर्जा के साथ सहयोग करें। जय हिंद। गणतंत्र दिवस की सभी झारखंड वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए आज हम भारत के संविधान को अक्षुण रखने के लिए सभी लोग मिलजुल कर शपथ लें। जय हिंद। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता लाल किशोरनाथ सहदेव की ओर से गणतंत्र दिवस की झारखंड सहित सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अपने संविधान को अक्षुण बनाए रखने के लिए संकल्प ले। जय हिंद। 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे झारखंड बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को युवा राष्ट्रीय जनता दल परिवार झारखंड की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देश के युवा संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संकल्प लें। जय हिंद। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी छतरपुर विधानसभा वासी एवं झारखंड वासी को हार्दिक शुभकामना। आइए देश के संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संकल्प में। जय हिंद। आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर आज हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। काफ़ी कुर्बानियों के बाद और बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे महान विभूतियों के कारण आज हमारा संविधान हमें मिला है और संविधान हमें शक्ति देता है कि हम अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ें और अपने अधिकार को प्राप्त करें। गणतंत्र दिवस सही मायने में तब सफल होगा जब हरेक कमजोर, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े लोगों को उनका अधिकार उन तक पहुँचेगा, तो वो सही मायने में भारत देश के, आज़ाद देश के सही गणतंत्री कहलाएंगे। और मैं आप सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि अपने संविधान की रक्षा हर कीमत पर करें और अपने संविधान को हर बुरी शक्तियों से अक्षुण्ण रखें। जय हिंद। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी शादी के बाद पहली बार गरीबों को खाना खिलाया तो गरीबों को लालू प्रसाद यादव की याद ताजा हो गई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शादी के बाद पहली बार भोज दिया है। बता दें कि 26 जनवरी और बसंत पंचमी के मौके पर राबड़ी देवी के आवास पर तेजस्वी ने भोज का आयोजन किया। तेजस्वी यादव ने खुद अपने हाथों गरीबों के बीच खाना परोसा। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जलेबी परोसते नजर आए तो वहीं तेजस्वी यादव पूरी सब्जी चलाते। इस दौरान टेबल पर बैठी महिलाएं तेजस्वी को देखकर काफी खुश दिखी। तेजस्वी को खाना परोसते देख महिलाओं को लालू यादव की याद आ गई। वहीं कई महिलाएं तो
ये तक कहती दिखी कि इनके बाबूजी लालू प्रसाद यादव भी हम लोगों को खूब मानते थे। इसी तरह बुलाकर टेबल पर बिठाकर खाना खिलाते थे। हर खुशी के मौके पर लालू यादव हम सभी को याद करते थे। बता दें कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव की राह पर चल पड़े हैं, क्योंकि कभी लालू यादव भी ऐसे ही अपने आवास पर गरीबों को खाना खिलाते थे। मां राबड़ी के आवास पर तेजस्वी ने भोज के बाद कंबल का भी वितरण किया। इस मौके पर अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक सहित कई आरजेडी नेता मौजूद रहे। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।